हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लाया हूँ और एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज के डेट में लगभग सिर्फ इंडिया में या फिर आप में आपकर हमारे बीच में नहीं हो रहा है, ये चीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जा रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े हस्तियों के साथ जैसे बिल गेट्स हुए या फिर और भी कई सारे पब्लिक फिगर्स हैं, उनके साथ भी ये चीज़ हो चुका है। और ये बात मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खुद से इस चीज़ को देख कर बोल रहा हूँ या फिर खुद से बोल रहा हूँ, इस बात को RBI ने भी बोला है और सेंट्रल बैंक ने भी बोला है। RBI ने इस रिगार्डिंग ट्वीट किया है जो कि आप बगल में देख सकते हैं कि उनका क्या ट्वीट है और इस रिगार्डिंग उनका क्या कहना है। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं पेमेंट फ्रॉड की बात कर रहा हूँ या फिर आप बोल सकते हैं जो हैकिंग वगैरह हो रहा है, साइबर क्राइम, उसके बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसने बोला है सभी अपने कस्टमर को कि इस चीज़ के लिए आपको सेफ रहना चाहिए, OTP वगैरह सब संभाल के रखना चाहिए, शेयर नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इन सब चीज़ों पर लापरवाही करने पर आपके साथ क्या होगा, वही चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे खुद एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है जो इस वीडियो में हमारे साथ रहेंगे और आपको बताएं कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या और कितना बड़ा मतलब स्कैम होते हुए वो बचे हैं। हालांकि उन्होंने स्टार्टिंग में ये परमिशन दे दी थी सामने वाले को, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनके पैसे कहीं दूसरे रूट में जा रहे हैं, वो उन्होंने वहीं पर एग्जैक्टली फुल स्टॉप लगाया, तब वो जाकर सेफ रहे। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आज तो सब सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों RBI ने जो चीज़ ट्वीट किया है और उसने बताया कि आपको क्या सेफ्टी रखना है, उस पूरे प्रोसीड्योर को, उस पूरे मतलब चीज़ को मैंने बगल में लगा दिया, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप पूरा पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ में उस वेबसाइट का मैंने लिंक भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जाकर उसे चेक कर सकते हैं, पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं कि मतलब RBI के इस रिगार्डिंग क्या कहना है जो आजकल साइबर क्राइम्स हो रहा है। तो दोस्तों एक्चुअली कुछ ऐसा ही हुआ मेरे एक फ्रेंड के साथ जो कि अभी यहाँ पर आप सभी के सामने बैठा हुआ है। एक्चुअली मतलब पूरा इसके डेबिट कार्ड के साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है कि मतलब सामने से कॉल आया, मैसेज ऐसा आया, तो टोटल एक्चुअली हुआ क्या है वो आप इसी से सुनिए, स्टार्टिंग से ये बताएगा कि मतलब कैसे क्या हुआ है। हाँ बोल। तो ये बात कुछ ही दिन पहले का है, हमको एक कॉल आया, पहले मैसेज आया था कि आपका KYC खत्म हो गया पेटीएम का, तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तुम दोस्तों जो मैसेज आया है इसके पास उसका मैंने मतलब फोटो स्क्रीनशॉट लेकर बगल में लगा दिया है। हालांकि अभी आप अगर उस नंबर पर कॉल करने का ट्राई करेंगे तो आपका नंबर कॉल नहीं जाएगा क्योंकि वहां पर वो आपको स्विच ऑफ बताएगा, लेकिन अगर ये मैसेज आपको सामने से आए जिस फ़ोन नंबर पर तब आप कभी ट्राई कीजिए, कॉल आपका 100% लगेगा। हाँ बोला। तो मैंने बोला, तो कॉल एक दिन बाद आया मेरे को, उस टाइम मैं सो रहा था, नींद में था, तो कॉल आया, उसने बोला कि भैया आपका KYC खत्म हो गया, आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कैसे होगा KYC रिन्यू होगा, तो उसने बोला एक QS नाम का ऐप था, उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें एक ID है, ID बोलिए। दोस्तों अभी ऐप को प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, QS नाम का ऐप है ये। एक्चुअली मुझे जैसा लगता है कि मैंने इस ऐप का और ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्रोमकास्ट का ऐप है। तो मेरे को हल्का सा फील हुआ कि वो मेरा स्क्रीन क्रोमकास्ट कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि आप क्या मेरा स्क्रीन क्रोमकास्ट कर रहे हैं, तो उसने बोला ना ना भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं उस पर लिखा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। मेरे को थोड़ा ट्रस्ट इशू हुआ, लेकिन तब पर भी कुछ नहीं, उसने बोला कि आप कोई अपना डेबिट कार्ड से 1 रुपया ऐड कीजिए अपने वॉलेट में। तो मैंने ऐसे किया, तो मेरे पास तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का डेबिट कार्ड है, तो उसी से 1 रुपया ऐड किए, तो उसमें तो पिन मांगा, OTP आया नहीं, तो उसने बोला ऐसा कीजिए, ऐसा किसी कार्ड से ऐड कीजिए जिसमें OTP आए। दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पर कितनी मतलब बड़ी चालबाजी की जा रही है। अगर आप भी अपने पेटीएम के डेबिट कार्ड से करेंगे तो आपका वहाँ पर पासकोड मांगा जाता है, जो कि आप पासकोड रखते हैं यहाँ पर। हालांकि अगर आप दूसरे साइट पर करेंगे तो तब आपसे वहाँ पर OTP मांगी जाएगी, लेकिन हर जगह पर OTP नहीं मांगी जाती है, इसीलिए उन्होंने बोला कि आप किसी अदर बैंक से कीजिए, मतलब पेटीएम से हट कर किसी दूसरे बैंक से कीजिए। तो ये मतलब आप समझिए कि यहाँ पर क्या गेम हो रहा है आगे। तो फिर मैंने दूसरा अपना डेबिट कार्ड से ऐड किया, तो मैंने 1 रुपया ऐड करने का ये किया, मेरे को मैसेज आया 10,000 का। उसके बाद देखा मैंने कि OTP जब मैंने टाइप करने के लिए पीछे मैसेजेस में गए, मैसेजेस का OTP अपना ये में डाले पेटीएम, तो उसके बाद थोड़ा देर बाद मैसेज आ रहा है कि आपका 10,000 निकल गया है आपका ये से डेबिट कार्ड से। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि सेक्शन में 1 रुपये दबाए गए हैं, लेकिन वॉलेट में एग्जैक्टली 10,000 रुपये ऐड हो गए हैं। और वो जो ऐड 10,000 हुआ है, तो मैंने मेरे को उसी टाइम समझ में आएगा कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। मैंने उसी टाइम वो ऐप डिलीट किया और उसका कॉल काटा। उसके बाद देखा मेरा कैश पूरा, मतलब पूरा मेरा पैसा ये सेफ है कि नहीं है। उसके बाद अपना पेटीएम से थोड़ा देर बाद कॉल आया
कि आपका अकाउंट के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने बोला हाँ मेरे को कॉल आया कि आपका KYC ये हो गया है उसको रिन्यू करने के लिए। तो मेरे को समझ में आ गया था हल्का सा कि ये मेरे साथ ये हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तो मैंने उसका कॉल कर दिया और वो ऐप डिलीट कर दिया। तो बोला कि आपका ये जो पेटीएम का अकाउंट है वो हम अभी अभी कुछ देर के लिए कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके OTP मांग के अपना रीसेट पासवर्ड करके कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो अभी कॉल बताया इसने पेटीएम वाला, ये एक्चुअली मतलब पेटीएम में कॉल गई थी, पेटीएम के कस्टमर केयर से ये बात आई। तो उसके बाद थोड़ा देर बाद उसी नंबर से वो जो फ्रॉड हुआ था, हाँ, तो उससे फिर से कॉल आया और बोले आप ऐड कीजिए नहीं तो ये 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ जाएगा, आप ऐड कीजिए नहीं तो हो जाएगा और स्कैम हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है जाइए ले लीजिए, जितना लेना है ले लो जाओ। और उसके बाद कॉल काट दिया, उसके बाद अपने सारे दोस्त लोगों को नंबर बांट दिया, सब उसको कॉल करके जो होता है वो तो हुआ ही। लग नहीं पा रहा, लेकिन हम सभी का एम यही था कि मतलब इन्होंने भी एक बात नहीं बताया कि कॉल काटने से पहले बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द उनके लिए मतलब उन्हें दिए गए थे, जो कि मेरे ख्याल से हर एक इंडियन को फ्रॉड कॉल आती होगी तो आप वो सब सामने वाले को जरूर देते होंगे, तो उसका हम इस वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते कि क्या बोल के कॉल काटी गई है। हालांकि यही दोस्तों एक्चुअली था। तो दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए हो कि यहाँ पर ओवरऑल हुआ क्या है, कि कैसे सही मीन्स इधर उधर के ऐप यूज़ करके, क्रोमकास्ट करके, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो हैकिंग है यहाँ पर सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, जो भी आपसे ही करवा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, पॉकेट में फ़ोन रखे रखे कोई आपका पैसा नहीं निकाल सकता। इंडिया में कोई इतना बड़ा हैकर नहीं, और हैकर भी है तो ऐसा काम नहीं कर रहा, इतना चीप काम ये ऐसे ही लोग करते हैं जिन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है और ऊपर से वो आपसे ये काम करवाते हैं आपको झांसा देकर। दोस्तों बस यही एक वीडियो का अपडेट था। और यहाँ पर और एक बात करता हूँ कि पेटीएम कभी भी KYC के लिए कॉल नहीं करता, ये बात पेटीएम भी खुद कहता है अपने हर एक मतलब मैसेजेस वगैरह में कि पेटीएम नेवर कॉल यू फॉर KYC, आपको खुद से ये सब करना पड़ेगा भाई, कोई भी आपका नौकर नहीं है कि आपके पास आकर काम कहेगा। दोस्तों इसके साथ ये वीडियो करते हैं एंड, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको एक मतलब मैंने बताया कि यहाँ पर कैसा कैसा इंसिडेंट हो रहा है आजकल, इसी का ये एक अपडेट था ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, आप थोड़ा सेल्फ अवेयर आपका बढ़े। दोस्तों इसके साथ वीडियो करते हैं एंड, अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलेंगे अपने एक और अगले वीडियो पर एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक यू।